गाइस फाइनली हम कुआला लंपुर में लैंड हो चुके हैं और अभी बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं. वेलकम टू कुआला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन. और ये जो वीडियो है ये मेरे मलेशिया ट्रिप का पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं जयपुर से कुआला लंपुर तक जा रहा हूँ. और जब मैं फ़्लाइट सर्च कर रहा था तो मुझे सबसे जो सस्ती फ़्लाइट मिली वो मुझे मिली एयर एशिया की, और उससे भी सस्ती फ़्लाइट मुझे मिल रहा था दिल्ली के मुकाबले अगर मैं जयपुर से करता हूँ तो. इसलिए मैंने जयपुर से फ़्लाइट टिकट बुक किया. मेरा जो फ़्लाइट टिकट हुआ वो अराउंड हुआ 4200 रुपीज़ का. अगर आप लोग 2-3 महीने पहले सर्च करते हैं जयपुर से तो आपको मे बी आपका टिकट 3500 या 3800 तक का भी मिल सकता है. और इस वीडियो में सब कुछ है. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे मैं वहाँ पहुँचा, और एयरपोर्ट जब मैं पहुँचा तो एयरपोर्ट के बाद सिटी जाने का क्या रास्ता है, क्योंकि कुआला लंपुर एयरपोर्ट से सिटी जो है वो 50 किलोमीटर दूर है. तो कैसे क्या मैं सिटी जाने के कौन कौन से वेज हैं, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर है. मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आपको मज़ा आएगा इस वीडियो में. सो गाइस, हम लोग इस समय में हैं जयपुर में और मैं अतिंदर से मिल लिया जयपुर में. और अतिंदर और मैं अब जाएंगे जयपुर से कुआला लंपुर. ये हमारी फ़्लाइट जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट है जयपुर से डायरेक्टली कुआला लंपुर की, और रात में 12:45 बजे में फ़्लाइट है ये 11:45 पे. और ये 2 फरवरी को यानी कि कल हमें पहुंचाएगी ये 7:00 में. और अभी का प्लान बताओ, अभी का क्या प्लान है हमारा? अभी का प्लान शॉपिंग करने, अभी शॉपिंग करने जाना है क्योंकि इनके पास जूते नहीं है और मुझे भी 1-2 चीज़ें खरीदनी है. तो अभी फटाफट से शॉपिंग करनी है जयपुर में और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलना है. अभी टाइम हो रहा है 4:00, तो अभी 2-3 घंटे हैं, तो तब तक के लिए मजे लेते हैं. और बाय द वे ये प्रॉपर्टी है ओयो की, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और अतिंदर भाई ने बुक किया इसको सिर्फ 650 रुपये में. आप भी कर सकते हो. होटल का नाम क्या है? होटल का नाम नहीं याद यार मेरे. यार एक मिनट आपको होटल का नाम बताता हूँ. होटल बहुरा इंटरनेशनल. अतिंदर जूता ढूंढ रहा है, अब मैं टाइम पास कर रहा हूँ. पर दोनों का मामला सही चल रहा है. क्या दिखाना चाहिए जूते? दिखाना नहीं यार, अच्छे नहीं है. बार बार ना ये घटिया जूते पे आ जाता है. ये क्या प्राइस है इसका? 5,500. देखो मैं एडिडास की बुराई नहीं कर रहा लेकिन ये जूता मुझे पसंद नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ. हैं ये बोल रहा है निकालेगा बहुत, क्योंकि इसका ये टाइट है और खेलेगा. आप लोगों को पता नहीं क्या पसंद है, बट मेरे को जो पसंद है मैं वो दिखाता हूँ. मेरे को ये वाला पसंद है. इसका प्राइस है 6,000, उससे 500 रुपये ज़्यादा है, बट सीरियसली अच्छा है. पीछे वाले भाई ने भी वही जूता लिया है. देख लो मेरी पसंद कितनी मिलती है. ये लो. गाइस फाइनली अतिंदर ने पहले दुकान देखा पूमा, फिर हम लोग गए रिबॉक में, फिर गए एडिडास में, दोबारा आए पूमा में. और जो लड़कियां नहीं करती, पहले एक शॉप पे जाती है, कुछ सामान देखती है, फिर 300-400 घूमती है, फिर दोबारा उसी शॉप पे आती है, फिर बोलती है फिर डिस्काउंट कर दो. वही वाला सीन हुआ है और अभी इसने जूता सेलेक्ट कर लिया है. भैया परेशान कर दिया ना इसने. तो गाइस सुबह से शाम हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट. हमारी फ्लाइट है 11:15 पे और बस निकल रहे हैं. अंदर आधा घंटा लगेगा. गाइस मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जयपुर के एयरपोर्ट पर आया हूँ और आप देख सकते हैं एयरपोर्ट कुछ इस तरीके से है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है. देखते हैं अंदर कैसे है. सो गाइस यहाँ के लो लाइट में मत जाना बिल्कुल भी. एयरपोर्ट जो है ज़बरदस्त है और एयरपोर्ट पे खेलने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं. मेरे सामने टीटी चल रहा है तो भाई हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे ये लोग जाएंगे वैसे हम भी थोड़ा टीटी आजमाएं, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है. अभी जो टाइम हो रहा है 8:30 और हमारी फ़्लाइट है 11:15 पे. तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम है. इवन अभी इमिग्रेशन काउंटर भी नहीं खुला है तो इमिग्रेशन कराएंगे और नीचे ये सारा का सारा फूड कोर्ट और गेमिंग में खेलने का लॉन्च में वो दिखाऊंगा. अभी टीटी खेलते हैं फिर. तो गाइस राइट नाउ हमारा इमिग्रेशन हो चुका है, सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है. गेट नंबर 2 से हमारा बोर्डिंग है एयर एशिया का. तो मैं आपको बता देता हूँ इमिग्रेशन में क्या पूछा, थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ. मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा और मेरे से जो मेरे वीज़ा थे वीज़ा मांगे. फिर बोले कि आप क्या करते हो, मैंने बोला कि मेरी आईटी कंपनी है.
बोला कहाँ पे लोकेट करती है, मैंने अपना लोकेशन बता दिया। देन उन्होंने बोला किस पर्पज से जा रहे हो, मैंने बोला ट्रैवलिंग। उसके बाद स्टम्प मारा, दे दिया। अरिंदर तुमसे क्या पूछा? ऐसे कुछ नहीं पूछा, ऐसे कुछ नहीं पूछा। और मुझसे पूछा वापसी कब है, मैंने बोला कि मेरा सिंगापुर से वापसी है तो मैं 7 को लीव कर दूंगा मलेशिया। तो उन्होंने इतना कि स्टम्प मारा, दे दिया। इमिग्रेशन ये होता है नॉर्मली, आपको घबराना नहीं है, मोबाइल वाले से जॉब करके जाइए, सीधा जाके उनको अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट ओके रहेंगे, आपका हार्डली 2 मिनट में इमिग्रेशन हो जाएगा। इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, अब बस हमने ये सैंडविच लिया है मैंने खाने के लिए और मिल्क शेक लिया है, अब बस खाते पीते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फ़्लाइट में सारी चीज़ें बहुत महंगी होगी और एयर एशिया जो है वो लो बजट फ्लाइट है तो उसके अंदर हर चीज़ का पैसा लगता है, इंक्लूडेड ड्रिंक, इंक्लूडेड आपका चाय, इंक्लूडेड आप जो भी चीज़ खाते हो। मेरी 5 घंटे की लंबी फ़्लाइट है तो उससे पहले थोड़ा प्रिकॉशन के तौर पे थोड़ा कुछ खा रहे हैं ताकि अंदर कम भूख लगे और जब उतरे तब खाए। तो यही सारा का सारा सीन है और हमारा वेटिंग एरिया कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं लंबा, एंड इस तरीके साइड में सारे के सारे प्लेन्स, क्योंकि रात हो रही है तो कुछ दिखेगा नहीं, दिन में काफ़ी अच्छा से। जयपुर एयरपोर्ट छोटा है बट अच्छा है। गाइस इस समय में हम लोग फ्लाइट में बोर्ड हो चुके हैं और सब लोग ट्राई कर रहे हैं बोर्ड होने की बाकी, और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस फ्लाइट को लेकर, एरिया को लेकर काफ़ी लोग से पहले से ही काफ़ी ज़्यादा लोग ही चल रही थी कि लो कॉस्ट एयरलाइंस है तो सिटिंग फैसिलिटी कैसी है या कम्फर्ट स्पेस कैसा है। देखिए मैं बता दूँ, मुझे ना तो चेक इन में कोई प्रॉब्लम हुई, ना बोर्डिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम हुई, जहाँ तक रहा लैग स्पेस तो लैग स्पेस बहुत ही अच्छा है। अगर मैं जेट एयरवेज से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा कम है बट मैं बताऊँगा कि लैग स्पेस भी बिल्कुल परफेक्टली ओके है। आई थिंक मुझे तो अच्छा लगा यार, फ्रेंकली बताऊँ तो मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है मैं अच्छा बताता हूँ, जो चीज़ खराब लगती है खराब बताता हूँ। इसमें एक ही चीज़ प्रॉब्लम है, जब आप बुकिंग करने जाते हैं तो आपको सिर्फ हैंड बैगेज का ऑप्शन देते हैं, अगर आपको अलग से चेक इन बैगेज करना है तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज करना पड़ता है, ये चीज़ें। बाकी इन फ्लाइट का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं शेयर करूँगा। अगर आप एयर एशिया की टिकट करा रहे हैं इस मामले में, सीट के मामले में, तो आप करा सकते हैं, मेरी तरफ से ओके है। क्या बोलते हो, जो सही है वो सही है ना? हाँ, और प्राइस रेट भी यार ठीक है अंदर का, मतलब इन शॉर्ट मील देखेंगे तो ओके ओके है प्राइस रेट, मतलब ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, पर ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यही है। फाइनली हम कुआला लंपुर में लैंड हो चुके हैं और अभी बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वेलकम टू कुआला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यार सब रेडी है जाने के लिए, तुम फ्रंट रो में है तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुआला लंपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे है। लास्ट टाइम जब मैं दूसरी कंट्री गया था, यानी साउथ एशिया की किसी कंट्री में गया था, तो वहाँ पे चाय पीने की बड़ी मारामारी हो गई थी भाई साहब। तो हाँ, तो मैंने एक जुगाड़ किया है, जुगाड़ बताता हूँ क्या है। मुझे बस क्या चाहिए, मुझे बस चाहिए एक बोतल, उस बोतल के अंदर गर्म पानी, गर्म पानी के अंदर दूध और दूध के अंदर चीनी, बस बाकी मैं टी बैग लाया हूँ मेरे साथ, बाकी सब है, बाकी सब की टेंशन नहीं है, बाकी सब है, टी बैग बस डिप करना है, चाय रेडी है ना। हाँ, तो चाय की यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा जुगाड़ लेकर चलता हूँ अपने साथ, क्योंकि लास्ट टाइम बड़ा तगड़ा सीन हुआ था तो अब की बार कोई सीन नहीं होना चाहिए। अब की बार चाय हम पियेंगे और चाय पियेंगे, अभी यही है। आप बस कहीं से जुगाड़ करना है।
सो गाइस राइट नाउ हम लोग इस जबरदस्त मेट्रो एक्सप्रेस मेट्रो में बैठ गए हैं। और तो गाइस ये जो मेट्रो है ये मेट्रो एयरपोर्ट लिंक को कनेक्ट करती है सिटी से। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सेंट्रल में केएल सेंट्रल। और ये जो मेट्रो कार्ड है ये है 55 रिंगिट का। अगर आपको चीप वे में ट्रैवल करना है तो आप लोग बस से ट्रैवल कर सकते हैं। बस जो है वो 12 रिंगिट पहुँचाती है एयरपोर्ट से, जो केएल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से सेंट्रल में। बस जो टाइम जो लेती है वो लेती है करीब 1 आवर 50 मिनट। और अगर आप बाइक कैब ट्रैवल करते हैं तो उससे करीब 180 रिंगिट लगता है। तो डिपेंड करता है आपको किस में करना है ट्रैवल। बाय द वे ये काफ़ी अच्छा बंदा देख रहे हैं, ये अपना जैसे दिल्ली में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है वैसे ही ये सेम। बस ये थोड़ा सा महंगा है, मतलब 900 रुपये पर पर्सन। 900 रुपये से 100 उठवा के कैसा लग रहा है? बड़ा मज़ा आया। ऐसा ही है, बस बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है।